नमस्कार टू एवरीवन। अभी हमारे ऑनररी अरिफ मोहम्मद खान जी ने भी बोला कि इतनी फॉर्मेलिटी हो रही है। मेरा अभी क्लोज टू 30 इयर्स अमेरिका में रहना हुआ है, तो मुझे हिंदी को भी, मेरा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इज़ माय थर्ड लैंग्वेज, मराठी, इंग्लिश और हिंदी। तो मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा, लेकिन बीच बीच में हिंदी का भी प्रयत्न करूँगा। तो जब फॉर्मेलिटी होती है तो मेरे लिए वो बहुत स्टीफ हो जाता है। तो अभी मेरा जो ट्रिप चल रहा है एक महीने का पूरा इंडिया में, मैं क्लोज टू 20 सिटीज़ आई एम गोइंग अराउंड इन 6 स्टेट्स, एंड एवरी प्लेस आई टेल देम प्लीज़ कीप माई टाइम सिटिंग ऑन द डायस टू अ मिनिमम, अदरवाइज इट मेक्स मी स्टिफ, मैं मेरा सब्जेक्ट भूल जाता हूँ। अरिफ मोहम्मद खान साहब जी ने ये रिक्वेस्ट की है, एक्चुअली मुझे 5 मिनट मेरा समय था, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि 2 सत्र होने वाले हैं आज, एक रामायण पे होगा, एक महाभारत पे होगा बाद में, तो गवर्नर साहब नहीं रहेंगे, तो उन्होंने बोला एक संक्षिप्त में उनको एक मैं परिचय दूँ मेरे काम का, तो मैं एक 15 मिनट लूँगा, उन्होंने ही मुझे परमिशन दी है। तो एक जो लोग आफ्टरनून सत्र के लिए यहाँ नहीं रह सकेंगे उनके लिए भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उज्जैन में महाकाल है, आप बहुत लोग गए होंगे, तो हम जब ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, तो वो हमारे रूपक है, आप उसमें मेटाफोर के करके भी ले सकते हैं। तो जब काल के, जब शिव काल हो गए तो विष्णु स्पेस हो जाते हैं और ब्रह्मा उसमें प्रकृति निर्माण करते हैं। तो महाकाल तो अनंत है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाने वाला है, लेकिन जब उसमें हमारा जो संस्कृति, जो सिविलाइजेशन का जो परिचय होता है, उसको हम खंड काल बोलते हैं। और आप सिर्फ एक चीज़ याद में रखना चाहते हो तो ये मैं बोलूँगा आपको, अभी आप समझ लो भारत के बाहर चले गए और भारत से कोई यहाँ आया और उनको आपको पूछता है, अच्छा ये जो आपकी संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? कोई एक दो लोग बोल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड आंसर है हमारा, कितना साल पुरानी, कौन सा, नहीं सत्ययुग तक नहीं जाओ अभी, सनातन तो टाइम नहीं है ना, वो 5000 साल, ये आप सब लोग बोलोगे आमतौर से, हाँ 5000 एक ऐसा ना नंबर है, मैं उसको क्या बोलता हूँ पता है, ये 5000 जो हम नंबर बोलते हैं ना, कोई बुराई नहीं है उसमें, ये सबसे ना वेरी लेजी और तामसिक नंबर है, क्योंकि आप किसी को ही पूछेगा अच्छा 5000 कहाँ से, तो अभी थोड़ा हम उत्तर दे देते इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेरा संक्षिप्त में सबसे बड़ा एक स्टेटमेंट जो संस्कृति के बारे में बोलूँगा कि जो मेरा एक 25 to 30 ईयर्स का जो मेरा रिसर्च है, बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई हैव असर्टेड, असर्टेड मींस इट इज़ बैक्ड बाय एविडेंस, एंड बैक्ड बाय एविडेंस फ्रॉम मोर देन डजन प्लस डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन, एंड आई विल मेंशन सम ऑफ देम। यू कैन कॉन्फिडेंटली, एवरी इंडियन कैन कॉन्फिडेंटली से दैट based on evidence we can say that our civilization is at least 24,000 years old, okay? धन्यवाद। अभी आपने तालियां बजाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, अभी आपको मेरे बुक्स या मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे और ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 24,000 कैसा आ गया, क्योंकि सिर्फ ताली बजा के नहीं चलेगा, ओके? स्वाध्याय प्रवचनेच, सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट और डिटेल स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। मैं क्विकली महाभारत का समरी आपको बोलता हूँ, एक छोटा सा महाभारत का एक साक्ष्य, महाभारत टेक्स्ट की साक्ष्य से मेरा जर्नी चालू हुआ 1995 में। तो मैं मास्टर स्टूडेंट था कैनेडा में, मेरा बैकग्राउंड है केमिकल इंजीनियरिंग, बैचलर्स मास्टर्स एग्जीक्यूटिव MBA। तो एक श्लोक मैं पढ़ा उसमें, ऐसे ही देख रहा था, वो श्लोक है, याचैषा विस्तृता राजस त्रैलोक्ये साधु सम्मता अरुंधति तयापेश वशिष्ठ पृष्ठतः कृत। व्यासदेव महाभारत युद्ध चालू होने के एक दिन पहले धृतराष्ट्र को ये बोल रहे हैं कि जो आकाश में जो अरुंधति है, सप्तर्षि के जो 7 तारे हैं, उसमें एक वशिष्ठ का तारा है और एक अरुंधति का तारा है, वो बोल रहे हैं कि अभी अभी मीन्स महाभारत के समय ये जो अरुंधति है वो वशिष्ठ से आगे चलती हुई दिखाई देती है। अभी उसमें क्या विशेषता, इसमें क्या है, इसमें विशेषता ये है कि आज हम जाके आकाश में देखें नाइट में तो वशिष्ठ आगे चलते हुए दिखते हैं,
चलते हुए भी नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे और उत्तर ध्रुव के ऐसा जाके नीचे जाएंगे, लेकिन उसमें वशिष्ठ आगे है, अरुंधति पीछे है। जब मैंने ये पढ़ा, मुझे थोड़ा एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, तो मैंने सोचा ये वीकेंड पे मैं ये काम कर लूँगा, वीकेंड में मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं बहुत नाइव था, मुझे वही एक श्लोक का साइंटिफिक ढंग से तात्पर्य निकालने के लिए 15 साल लगे। सो 1994 से चालू करके 2009 तक, तो सिर्फ वही करते नहीं बैठा था, सब काम वगैरह तो कर रहा था। 2009 में जब मैंने ये दिखा दिया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरा हम लास्ट पीछे कितना भी लंबा चले जाए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, चलो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आपको पीछे जाना है चले जाइए। एक ऐसा समय है, सिर्फ एक ही समय है, 11,091 BC से लेके, जो कि समझ लो 13,000 साल पहले से, टू 4508 BCE, मीनिंग 6,500 ईयर तक। तो बीच में क्या 6,000 ईयर्स का ये समय है, यही एक ऐसा समय है पृथ्वी के हिस्ट्री में कि जब आपको अरुंधति वशिष्ठ के आगे चलते हुए दिखेगी। नाउ हमें तर्कशास्त्र, तंत्र युक्ति और विज्ञान बुद्धि सबको एकत्र लाना है। तो महाभारत में बोला है अरुंधति आगे चल रही है, महाभारत के समय। हमारा जो आजकल का जो प्रगत खगोल शास्त्र है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और इंडियन एस्ट्रोनॉमी, दोनों ये दिखाते हैं कि ये जो समय है वो एक 6,000 साल का समय 6,500 ईयर्स के पहले का है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी कंबाइन ट्राइंगुलेट दिस थ्री, इसका मतलब इफ व्यास जी ने जो बोला है वो सत्य है, और हमारा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को जो एविडेंस है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बाय द वे इज द मोस्ट सक्सेसफुल थियरी ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ लास्ट 400 ईयर्स, उससे कोई भी ज्यादा सक्सेसफुल थियरी मॉडर्न साइंस में नहीं है। ये दोनों की साक्ष्य हम एकत्र करें तो हमें समझता है कि महाभारत युद्ध डेफिनेटली लास्ट 6,500 में हुआ नहीं, हुआ है तो उसके पहले हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, तब तक मैं ज़्यादा उसमें सोचा नहीं था, ये एक अरुंधति को पकड़ के ही 15 साल बिताया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग महाभारत एंड आई एक्सट्रैक्टेड एवरी सिंगल खगोल शास्त्रीय संदर्भ, एवरी सिंगल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन। एंड जैसे कि आप जिग्सॉ पजल सॉल्व करते हैं ना, अलग ढंग के पजल रहते हैं, सुडोकू करते हैं, सो आई ट्राई टू लुक एट एवरी सिंगल पीस ऑफ एविडेंस 300+, एंड दे ऑल दिस पुट टुगेदर एज अ जिग्सॉ पजल पॉइंट्स टू वन स्पेसिफिक ईयर। दैट वन स्पेसिफिक ईयर इज 5561 BCE, 5561 ईयर्स क्रिस्त पूर्व। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गए, उसमें 2000 साल ऐड करने पड़ेंगे हमारे अभी के, तो 7,500 साल से पहले महाभारत हो गई युद्ध, हम एकदम खात्रीपूर्वक वैज्ञानिक ढंग से बता सकते हैं। उसके बाद लोगों ने मुझे, चला अभी अभी रामायण पे भी कुछ करो, तो रामायण पे मैं तब संशोधन पहले ही पैरेलल में चालू किया था, तो मुझे पता नहीं था बिल्कुल, महाभारत तो बहुत बड़ी है, 1,25,000 तक के श्लोक है, वाल्मीकि रामायण तो छोटी है, 24,000 श्लोक की वो ग्रंथ है। मुझे लगा उसमें क्या मिलेगा, मुझे भी पता नहीं, मैं कोई बहुत सारे प्रोफेसर लोगों को पूछा कि आपने किया है क्या, उन्होंने बोला नहीं, हमने थोड़ा ट्राई किया है, उसमें कुछ नहीं है। तो बोला चलो हम प्रयत्न तो करते हैं, पता नहीं। मैं जब वो पढ़ने लगा तो मुझे पहले तो एक समझ लो 100-200 रेफरेंसेस मिल गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है जब मैं बार बार पढ़ने लगा तो आई फाउंड क्लोज टू 600 स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस। एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस मीन्स तारों के हो गए, ग्रहों के हो गए, तिथि, मून्स फेजेस एंड पोजिशंस, सीजन्स डिस्क्रिप्शंस, एवरीथिंग दैट गोज इन टू एस्ट्रोनॉमी एविडेंस। डिटो आई यूज द सेम एविडेंस जस्ट लाइक अरुंधति वशिष्ठ, आई फाउंड 4 references इन रामायण जो कि एक एग्जैक्टली टाइम बताते हैं, इसके पहले तो डेफिनेटली रामायण हुआ नहीं, इसके बाद डेफिनेटली रामायण हुआ नहीं, और वो सब मैं जिग्सॉ पजल जैसा सॉल्व करके मैंने जो डेट निकाली, रामायण में राम रावण युद्ध की जो डेट आती है वो आती है 12,209 BCE, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 14,000 ईयर्स अगो। ओके, नाउ उसमें से खगोल शास्त्र छोड़ के मैं आपको हाइड्रोलॉजी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, जो नदी के संबंध का जो विज्ञान है, उसके बारे में एक मैं आपको साक्ष्य बताता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रामायण तो बहुत पुराना है, सोचते हैं ना 1 लाख साल 2 लाख साल ऐसा भी हम सोचते हैं। रामायण में जब भरत आ रहा है अयोध्या में तो उसमें डिस्क्रिप्शन सब नदी के डिस्क्रिप्शन आते हैं, सरस्वती के आते हैं, सतलज नदी के डिस्क्रिप्शन आते हैं, और उसमें सतलज नदी का ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि सतलज नदी रामायण के समय में पश्चिम के तरफ मुड़ के बहती है। अभी हमारा जो संशोधन हुआ है IIT कानपुर, बहुत सारे 30+ स्टडीज है, पूरा UK के है, यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्चर्स ने किए हुए, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 50 ईयर्स ऑफ रिसर्च। उसमें से अभी ये सिद्ध हुआ है, अभी 2017 का IIT कानपुर और UK का प्रोफेसर का पेपर है कि जो सतलज नदी जो पश्चिम में मुड़ के, अभी पंजाब के लोग होंगे तो पंजाब में रोपर और रूपनगर, वहाँ एकदम वो पश्चिम में टर्न लेती है, वो जो पश्चिम में टर्न लेके जो मुड़ने लगी जैसा कि रामायण में डिस्क्राइब किया है, दैट स्टार्टेड इन 13,000 BC, 15,000 साल। तो अगेन फिर हमें ट्रायंगुलेशन करना है सिर्फ उसके ऊपर ही। मैंने तो जो 12,209 बताया वो तो एस्ट्रोनॉमी से बताया वाल्मीकि रामायण के, लेकिन जो सतलज नदी है जो उसको पश्चिम में मुड़ के बहने वाली नदी का डिस्क्रिप्शन किया है वो सिर्फ लास्ट 15,000 साल में ही आपको मिलती है, उसके पहले नहीं मिलती। उसके पहले वो स्ट्रेट नीचे आके सरस्वती को मिलती थी, और सरस्वती इतनी बड़ी थी, अभी जो आप स्टडी देखोगे तो आपको पता चलेगा, सब जगह नहीं, कोई कोई जगह सरस्वती का जो पात्र है वो 22 किलोमीटर। अब आपकी कोई भी नदी देखा होगा वो याद करो, मैं अभी आगरा में था 2-3 दिन पहले, तो मैं उनको पूछा यमुना इतनी कितनी बड़ी है, बोला 1.5 किलोमीटर तक होगी। उसका कितना गुना आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो 22 किलोमीटर तक वो सरस्वती बड़ी थी। ये रामायण का हुआ। फिर मुझे जो हरियाणा के जो सरस्वती संशोधन सेंटर है उन्होंने बोला क्या आप सरस्वती और ऋग्वेद पे कुछ काम कर सकते हैं, वो 2016 की बात है, उसके पहले तो 2016 से मैंने सरस्वती का थोड़ा रिसर्च किया था, लेकिन सरस्वती या ऋग्वेद ये फोकस नहीं था, बिकॉज महाभारत और रामायण मेरा फोकस था। लेकिन महाभारत और रामायण दोनों में सरस्वती के वर्णन आते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं। महाभारत में 200 से ज़्यादा सरस्वती के डिस्क्रिप्शन हैं और रामायण में 1-2-4 है। तो ये मैं जब उसको संशोधन करने लगा तो ऋग्वेद में, मुझे तो एस्ट्रोनॉमी आती है तो मैं ऋग्वेद में चला गया एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस देखने। ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस तो है, लेकिन ऐसा कोई ऋग्वेद में रेफरेंस, एस्ट्रोनॉमी रेफरेंस एटलीस्ट मुझे मिला नहीं जिसके कारण मैं उसका काल निर्णय कर सकूं। लेकिन मुझे वो जो सरस्वती नदी, शुतुद्री, विपास, ये बहुत सारे नदी के जो डिस्क्रिप्शन है उसका मुझे फायदा हुआ। तो उससे ऋग्वेद का जो मैंने समय निकाला है वो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट है। उसमें से ये पता चलता है कि जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, और वो जो मंडल अभी हमें दिखते हैं ना वो सब एक साइड में एक समय में कंपोज किए हुए नहीं है। इनफैक्ट उनका जो रिलेटिव सिक्वेंस है, सबसे जो ओल्डेस्ट है उनका जो मंडल का सिक्वेंस है वो है 6-3-7-4-2 देन 5-8-9 और उसके बाद बहुत लंबा टाइम बीच में जाता है, उसके बाद आता है मंडल 10। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मंडल 10 में आपको शंतनु और देवपि के उल्लेख मिलते हैं। और शंतनु कौन है पता है आपको? शंतनु कौन है? भीष्म के पिता। ओके, नो, शंतनु नाम तो अलग अनेक लोगों का हो सकता है, लेकिन शंतनु और देवपि ये भीष्म के पिता और उनके भाई थे, और देवपि जंगल में चले गए और ये राजा थे। वो उल्लेख कैसा आ जाता है ऋग्वेद में, उसका भी हमें आंसर पता है, बिकॉज महाभारत के समय में व्यासदेव ने फिर उनकी रचना की, पुनर्रचना की ऋग्वेदों की। तो उसका जो अंत का समय है ऋग्वेद का वो 6 मिलेनियम BC, मीनिंग समझ लो एक 7-8 हज़ार समय महाभारत का समय आता है। और आप उसका जो एविडेंस करके पीछे पीछे चले जाओ तो ये एविडेंस आ जाता है कि कम से कम जो ओल्डेस्ट मंडलाज है 6-3-7-4-2 ये डेफिनेटली 22,000 साल से पुराने हैं, मोर देन 22,000 BC। मैं आपको थोड़ा सा क्यों कैसा बताता हूँ और मैं रुकता हूँ। ऋग्वेद के जो ओल्डेस्ट मंडल है जैसा 6-3-7 उसमें सरस्वती का वर्णन आता है। फॉर एग्जाम्पल सरस्वती का वर्णन ऐसा आता है कि सरस्वती सबसे बड़ी नदी थी, गंगा से बड़ी, सिंधु से बड़ी। और कैसा वर्णन आता है तो उसका आता है नदी तमे, अम्बी तमे, देवी तमे सरस्वती, नदी में से नदी बड़ी, देवी में से देवी सबसे बड़ी। या और दूसरा वर्णन आता है गिरिभ्य आ समुद्रात,
पूरा माउंटेन से, हाई माउंटेन से निकल के ऑल द वे समुद्र तक बह रही है। नाउ 2017 का एक कोंडे जी का पेपर है, उसमें ये हमें उन्होंने दिखाया कि लास्ट 10,000 साल में जो सरस्वती का जो क्षेत्र है उसमें से 10,000 साल में ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं और छोटी भी नदी नहीं, सिंधु है बट उसके साइड में, कि जो समुद्र तक मिलते गई। दिस इज नॉट एनी रिवर, बड़ी रिवर दैट वेंट टू सिंधु समुद्र। इसका मतलब लास्ट 10,000 ईयर्स का वो वर्णन नहीं है ऋग्वेद का। और बाद में जो अगेन 2017 2018 के पेपर्स आए हुए हैं, उसके पहले के भी आप पीछे चले जाओ तो 1992 फ्रैंकफर्ट ऑफ फ्रांस के पेपर है, मेरी कोल्टी के 1986 के पेपर्स हैं, ये सब आप कंबाइन करो तो उससे भी पता चलता है कि जो गिरिभ्य आ समुद्र, माउंटेन से निकल के समुद्र तक जाने वाली जो सबसे बड़ी नदी थी वो सरस्वती, उसका जो पात्र था वो 22,000 BC में इतना बड़ा से लेके एकदम नैरो हो गया। उसमें से क्या हो गया, यमुना निकल गई, यमुना पूर्व में निकल गई, और शुतुद्री 13,000 में जो मैंने बोला वो पश्चिम में निकल गई, और फिर सरस्वती स्लोली स्लोली ड्राई होके चली गई। तो हाइड्रोलॉजी एविडेंस से भी आपको पता मिलता है ना, सिर्फ मैं नाम बताता हूँ बाकी कोई एविडेंस है कि ये जो मैंने अभी डेट बोला आपको, सिंपलिसिटी के लिए मैं बोलता हूँ, आप जो पढ़े ही बोलते हैं आप मल्टीप्लीकेशन टेबल्स को, तो आप 7 का पाढ़ा याद रखिए, मराठी में होता है 7 के 7, 7 × 14, सात्रिक 21, 7, 14, 21। तो सिंपलिसिटी के लिए 7,000 साल पहले महाभारत, 14,000 साल पहले रामायण, और ऋग्वेद के ओल्डेस्ट पोर्शन 21,000 साल के पहले। सिंपल है ध्यान में रखने के लिए, भूलने का नहीं, 7 का पाढ़ा भूलने का नहीं, 7,000, 14,000, 21,000। तो ये अभी मैं आपको दो सिर्फ बोला मैं, और जो रिमेनिंग जो संस्कृत साइंस के जो विषय है उनका सिर्फ मैं नाम लेता हूँ, उसमें आप दो सत्र में रहेंगे तो हम और ज़्यादा चर्चा कर सकेंगे उसमें से। और जो है जैसा कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसका हमें पूरा साक्ष्य मिल जाती है, जेनेटिक्स, और आरिफ मोहम्मद खान जी तो अच्छा लगेगा उनको, और बाकी जो लोग हैं कि जेनेटिक्स में भी, जो अभी जो बाकी लोग जेनेटिक्स में कर रहे हैं, वो एक छोटा मैं बोल देता हूँ और मैं आफ्टरनून में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि जेनेटिक्स का भी हमें एविडेंस मिला है। 2015 का कार्मिन का पेपर है ना, वो जो कार्मिन ने पेपर लिखा है उनको महाभारत की कोई पता नहीं है, उसका जो जेनेटिक्स का एविडेंस है मैं आफ्टरनून में आपको बता दूंगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए, उससे भी महाभारत का जो समय है उसको साक्ष्य मिलती है। उसके बिना बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप कोई नाम ले लो, ओशनोग्राफी, सेज्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, कोई भी नाम लो, ये सबके जो जो साक्ष्य मिले हैं ये जो अभी मैंने समय बोला उसको वो सपोर्ट और इंग्लिश में कोराबोरेट करते हैं। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय रहा मेरे सब्जेक्ट के बारे में। आप आई वुड एनकरेज यू, रिक्वेस्ट यू टू स्टे फॉर द 2 आफ्टरनून सेशंस एंड वी विल डिस्कस मोर, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। धन्यवाद।